हेलो फ्रेंड्स, किरण द नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे व्यूअर्स की ये फरमाइश आई थी कि इजी इजी और भी डिज़ाइन बताऊं मैं, जो कि मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। दो दो लाइनों के डिज़ाइन, टू रोज़ में जो डिज़ाइन अच्छा सा बन के आ जाए या फोर रोज़ में आ जाए, ऐसे मैं बहुत सारे मैंने डिज़ाइन डाले हैं। तो और भी फरमाइश आती रहती है कि ईजी डिज़ाइन बताएँ जो कि हमारे कार्डिगन को सुंदर बनाए और हम इजी से डाल लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए बहुत ही सुंदर और इजी पैटर्न लाई हूँ, और आप इसको किसी भी कलर पे डालें, ब्लैक कलर पे भी ये बहुत सुंदर उभर के आएगा। और फ्रेंड्स, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करें, जैसे अपने कार्डिगन पे डालें, जैकेट पे डालें, बच्चों के स्वेटर पे डालें, शॉल स्टॉल पे डालें, बहुत सुंदर बन के आता है। तो चलिए मैं इजी सा पैटर्न आपको बता देती हूँ, तो आप भी बुन के देखिए, बहुत सुंदर बन के आता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए लिए हैं मैंने 14 फंदे। ये डिज़ाइन जो है ये 3-3 के मल्टीपल में चलता है। आप 3-3 के मल्टीपल कीजिए और +2 कर लीजिए एस स्टिच के लिए, तो आपका पैटर्न आपके किसी भी प्रोजेक्ट पे आराम से सेटल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी वूल के हिसाब से इसमें यूज़ की है 10 नंबर की नीडल्स। मैं हमेशा बेबी वूल इस्तेमाल करती हूँ प्रोजेक्ट्स के लिए, बहुत सुंदर बन के आता है इस पर। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये कोई मोटी वूल हो आपकी, तो आप 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको शॉल स्टॉल बनाना हो तो थोड़ा लूज पैटर्न करना हो, तो आप 9 या 8 नंबर की सिलाई भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बुन के देखते हैं। इसमें मैंने लिए हैं रोंग साइड के फंदे। ये डिज़ाइन राइट साइड से शुरू होता है, पर मैंने डिज़ाइन को बेस देने के लिए रोंग साइड के फंदे डाले हैं। तो मैं पहले क्या करूँगी, एक बेसिक रो कर लेती हूँ, उल्टी 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 बुनते हुए एक बेसिक रो डाल लेती हूँ, और फिर हम राइट साइड से डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये इसकी उल्टी साइड है, रोंग साइड है, तो इसकी ये रो जो है, जैसे आपने नीचे बॉर्डर वगैरह अगर बना रखा है तो आप इसको राइट साइड से सीधा सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये डिज़ाइन को बेस देने के लिए इसमें एक उल्टी रो डाल रही हूँ। और अगर आपने स्टार्टिंग से ये डिज़ाइन डालना है तो आप ऐसे ही कीजिएगा, एक बेसिक रो उल्टी बुन लीजिएगा, क्योंकि सीधी साइड से ये डिज़ाइन डायरेक्ट बुनना बहुत टफ रहता है, या फिर आपके फंदे लूज होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये इसकी सीधी साइड है, तो हम डालने जा रहे हैं डिज़ाइन की पहली सिलाई। जैसे कि आप इसको स्टार्ट करोगे, अगर आपको सीधी साइड से स्टार्ट करना है बॉर्डर के बाद, आप तो ऐसे स्टार्ट इसको कर सकते हैं। तो पहला फ्रेंड्स, आप एस स्टिच रखिए, चाहे बुन के उतारिए, आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना हो। ये देखिए, एक स्टिच मैंने बुन लिया, तो अब क्या करेंगे, 3-3 स्टिच का देखिए ऐसे पैटर्न चलेगा। ये रो 1 है, ये 3 स्टिचेस लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ बैक साइड से इसको बुनेंगे, 3 फंदे इकट्ठे। ये देखिए ऐसे, इसको पैटर्न को लूज रखिएगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए मैंने ये फंदा ऐसे करके लूज कर लिया है। फिर आप धागा अपनी तरफ लाइए, आगे की तरफ अपनी तरफ ले आइए, और फिर से एक सीधा फंदा बुनिए। इसी में इन 3 फंदों को फिर से एक बार बैक लूप से बुन दीजिए। ये देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास 3 फंदों के फिर से 3 फंदे आ गए हैं। ये देखिए 1, 2 और ये 3, 3 फंदों के आपके फिर से 3 फंदे बन गए हैं। ये देखिए ऐसे। फिर क्या करेंगे, इसके बाद आप धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ जाली आएगी, अपनी तरफ धागा लाते हुए फिर से आप 3 फंदों को ऐसे ही बुनेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, 3 फंदे इकट्ठे। ये थोड़ा सा टफ लगता है बुनना 3 फंदों को इकट्ठे, पर जब आप बुनने लग जाओगे तो आपको आदत बन जाएगी। ये देखिए, ये मैंने धागा अपनी तरफ किया है, तो यहाँ जाली आ जाएगी, एक फंदा आएगा यहाँ पे। ये देखिए, एक बार बुन लिया मैंने, इसको लूज करेंगे फंदे को, धागा अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ पे फिर से इन 3 फंदों को बुन देंगे हम। देखिए ऐसे लूज करेंगे इनको, देखिए
अब मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला हमने फंदा एस्टिच बुना है, उसके बाद हमने तीन फंदों के फिर से तीन फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ किया और फिर से तीन फंदों के हमने तीन फंदे बनाए। तो अब ऐसे ही करते जाना है आपको, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ जाली आएगी, फिर से हम तीन फंदों को वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। एक बार बुनेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये थोड़ा सा टफ रहता है तीन फंदों को इकट्ठे बुनना, लूज रखेंगे इसको। मैं आपको बार बार बोले जा रही हूँ कि ये पैटर्न आपको लूज रखना है, तभी ये सही बनेगा। और अपनी तरफ धागा ला के, ये देखिए मैंने धागा अपनी तरफ कर लिया और फिर से मैंने तीन फंदों का एक कर दिया, ये देखिए ऐसे धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ जाली आएगी, फिर से आपके पास तीन फंदे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीन तीन फंदों का ये पैटर्न है, तो वैसे ही बुनेंगे तीन फंदों को इकट्ठा बैक लूप से, धागा अपनी तरफ और फिर से इनको दोबारा बुनेंगे एक बार बैक लूप से, यानी कि तीन फंदों के आपको तीन फंदे बनाने हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने स्टार्टिंग में हम धागा आगे नहीं लाए थे, तो यहाँ एंड में हमें धागा आगे रखना है अपनी तरफ और यहाँ जाली डालनी है, ये देखिए ये रो वन हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी उल्टी साइड है, ये रो टू है, यानी कि दूसरी सिलाई हमने इसमें डालने जा रहे हैं। ये आपका एस्टिच है पहला, आप इसको कैसे भी बुनिए, तो मैं इसको उल्टा बुन लेती हूँ, ये देखिए। फिर क्या करेंगे, धागा हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, पिछली तरफ, और ये हमारे पास जाली वाला फंदा है, इसको हमें कैसे बुनना है ध्यान दीजिए। यहाँ से इधर को पीछे से, ये देखिए ऐसे पीछे से हमें बुनते हुए ऐसे सीधा इसको बुनना है, ये देखिए ऐसे बुन लेंगे जाली वाला। जाली वाला सब फंदे आपको ऐसे बुनने हैं। अब देखिए आपके पास तीन फंदे हैं, जो आपने तीन फंदों को घटाते हुए फिर से तीन फंदे बनाए थे, तो इनके आगे से ऐसे एक फंदा लेना है, ऐसे निकाल के लाना है, इसको लूज रखेंगे और फिर हम तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब आप देखेंगे कि आपके फंदे पूरे हो जाएंगे, इसमें कोई भी फंदा आपका घटेगा नहीं, ये देखिए। अब देखिए आपके तीन फंदे पूरे हो चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो जाली वाला फंदा है इसको ऐसे ही बुनना है, ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पीछे से ऐसे इसको सीधा बुन देंगे, बहुत ही इजी। और फिर से हमें ये तीन फंदे हैं हमारे पास, इनको वैसे ही बुनेंगे एक बार, लास्ट से ऐसे निकाल के लाएंगे धागा, फिर तीन फंदों को बैक लूप से इकट्ठा बुन देंगे। ये रोंग साइड है, रोंग साइड में भी इसका ऐसे डिज़ाइन आता है फ्रेंड्स, आपको रोंग साइड में बुनना है। ये देखिए फिर से आपका जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे पीछे के ये धागा जो है इससे आप ऐसे सीधा बुन दीजिए और फिर से आपके पास तीन फंदे हैं, तीन फंदों के आगे से ऐसे फंदा निकाल के लाएंगे और ये तीन फंदे जो हैं इनको इकट्ठा एक फंदा कर देंगे, देखिए ऐसे। फिर से आपके पास जाली वाला फंदा है, जाली वाले फंदे को यहाँ पीछे से बुनेंगे, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये जो ये इसकी इधर हमारे वाली साइड है, ये पिछले वाली साइड से ऐसे, ये देखिए ये सीधा बुन देंगे इसको। और ये तीन फंदे देखिए आपके पास हैं जो आपने बना रखे हैं, इसके आगे से एक फंदा बुन के लाएंगे और इसमें तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे। इनको लूज बुनिएगा इस डिजाइन को, तभी ये आसानी से आपका बुना जाएगा, ये देखिए। अब आपका ये एस स्टिच है, इसको अपने हिसाब से कैसे भी बुनिए, तो मैं इसको बुन रही हूँ उल्टा। इसी के साथ फ्रेंड्स, दूसरी सिलाई भी हमने इसमें ख़त्म कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, दो सिलाइयाँ आपकी पूरी हो चुकी हैं और पैटर्न आपका आने लग गया है, आप देख सकते हैं ये उभरा उभरा पैटर्न आ रहा है। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको ब्लैक कलर पे भी डालें, चाहे नेवी ब्लू कलर पे डालें, किसी भी डार्क कलर पे भी डालेंगे तो ये पैटर्न बिल्कुल अच्छी तरह से उभर के आएगा और बहुत सुंदर लगेगा, ये देखिए बिल्कुल उभर के आ गया है।
तो आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको दो सिलाइयां बताई हैं वो इसमें रिपीट करते जाना है। सिर्फ दो सिलाइयों का पैटर्न है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं बताती रहती हूँ इजी पैटर्न, तो ये दो सिलाइयां आपको आगे आगे डालते जाना है तो ये पैटर्न चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स वो सिलाइयां जो स्टार्टिंग की थी थोड़ा सा उसमें डिफरेंस लगता है, तो मैं आपको ऐसे करती हूँ कि रो वन रिपीट करके बताती हूँ थोड़ी सी। देखिए तो मैं यहाँ पे रो वन रिपीट करने जा रही हूँ। ये आपका एस्टिच है, इसको आप कैसे बुनिए। अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी क्योंकि फर्स्ट रो में हमारे फंदे अलग तरह के थे, तो यहाँ पे हमने एस्टिच बुन लिया है। अब ये तीन फंदे, ये देखिए दो फंदे ये हैं आपके और एक आगे वाला। तीन फंदों को आप ऐसे बैक लूप से बुनेंगे, छोड़ेंगे नहीं अभी, धागा अपनी तरफ और फिर से इन्हीं तीन फंदों को बैक लूप से बुन देंगे। ये देखिए लूज रखेंगे इनको, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पे जाली आएगी। फिर से ये देखिए दो फंदे ये वाले, और आगे एक नेक्स्ट फंदा अगला पकड़ लीजिए ये वाला, और तीन फंदों का एक फंदा पीछे से बुनते हुए, धागा अपनी तरफ, फिर से बुनेंगे एक बार। ये देखिए ऐसे, अब आप देखेंगे कि आपका वैसे का वैसे आना शुरू हो गया है। धागा अपनी तरफ, ये देखिए आपको दो फंदे ये अलग दिखेंगे, दो फंदे अलग से दिखेंगे, ये अलग से दिखेगा। तो आपको क्या करना है, दो फंदे ये लेने हैं और नेक्स्ट एक फंदा और लेना है, तीन फंदों का एक फंदा करना है। ये देखिए ऐसे, और धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदों का एक फंदा। देखिए ऐसे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, अब फिर से ये तीन फंदे हैं आपके पास, ये वाला और ये वाला। तीन फंदों को बैक लूप से बुनेंगे। ये रो वन मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ, अच्छी तरह से आप देख लीजिए, और फिर से बुन देंगे इनको इकट्ठा। देखिए ऐसे, धागा अपनी तरफ और यहाँ पे जाली डालेंगे एक। देखिए ऐसे, देखिए फ्रेंड्स रो वन मैंने आपको रिपीट करके दिखाई है। अब मैं रो वन थोड़ी सी, रो टू आपको थोड़ी सी बताऊंगी क्योंकि रो टू ऐसे ही आएगी। रॉन्ग साइड में रो टू को रिपीट करने जा रही हूँ, ये मैं थोड़ी सी बताऊंगी क्योंकि ये पहले की तरह ही आपके फंदे दिखेंगे आपको। ये देखिए एस्टिच बुन लीजिएगा, ये आपके पास देखिए पहला फंदा आ गया है, ये वाला जाली वाला, इसको आप सीधा बुन लीजिए। देखिए ऐसे बैक लूप से बुनना आपको, और फिर तीन फंदों के आगे से ऐसे आप करेंगे, धागा निकाल के लाएंगे और तीन फंदों को इकट्ठा बुनेंगे पीछे की ओर बैक लूप से। देखिए ऐसे, फिर अब आपको ऐसे ही करते जाना है। ये देखिए इसको बैक लूप से बुनेंगे। अब मैं ये रो आपको पूरी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पहले मैंने आपको पूरी दिखाई है। ये देखिए, ये मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स चार सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन बन के आ गया है। अब ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, बहुत सुंदर बन के आता है। मैं आपको थोड़ा बना हुआ डिज़ाइन भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये थोड़ा सा बना रखा है, ये मैं आपको पैटर्न दिखा रही हूँ, ऐसे बन के आएगा ये, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर पैटर्न है। ये इसकी राइट साइड है, रॉन्ग साइड भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड है, तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आप इसको शॉल स्टॉल पे डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो आप डाल लीजिएगा तो भी बहुत सुंदर लगेगा इसका, दोनों साइड से बहुत बढ़िया बन के आएगा। बच्चों के स्वेटर पे डालिए, अपनी जैकेट बनाइए, कार्डिगन बनाइए। जैसे कार्डिगन आपने बनाना हो, नीचे नीचे 5-6 इंच का इसका बॉर्डर लगा सकते हैं। बच्चों का भी ऐसे बना सकते हैं, 3-4 इंच का बॉर्डर बनाएं और ऊपर बना सकते हैं, या फुल कार्डिगन बनाएं, बहुत सुंदर बन गया आएगा। अपने लिए स्कार्फ बना लीजिए, इसका शॉल बना लीजिए। तो अब आप भी बनाइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।